Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to read a new poem from literature book. The name of the poem is Laughing Song, which is written by William Blake, an English poet and a painter. So students, in this poem the poet has described the nature. So here the poet says that everything on this earth is enjoying their work and they are laughing. Similarly, we should also enjoy और वर्क एंड जो भी अपनी ड्यूटी है, अपना फ़र्ज़ है, वो हमें पूरा करना है और हमें अपनी लाइफ को हंसते हुए बिताना है, ना कि अपने जो सॉरोज हैं, वरीज़ हैं, उनको लेकर बैठना है और उदास रहना है. सो यही बात पोएट जो हमें कन्वे करना चाहते हैं. सो लेट्स रीड द पोएम. व्हेन द ग्रीन वुड्स लाफ विद अ वॉइस ऑफ जॉय एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय. When the air does laugh with our merry wit and the green hills laugh with the noise of it. Here the poet is saying when the green woods laugh. Here the green woods mean the forest. It means कई बार जब हम जंगल जो होते हैं, जब उनमें हवा बहती है तो एक तरह की आवाज़ आती है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि ये जो जंगल है वो हंस रहे हैं, खुशी के मारे हंस रहे हैं, झूम रहे हैं. एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय. स्ट्रीम मीन्स जो छोटी सी जो झील होती है वो, और डिम्पलिंग का मतलब होता है जैसे हमारे चीक्स में जो डिम्पल पड़ते हैं, तो जब ये पानी बहता है तो मानो ऐसा लग रहा है कि इनमें डिम्पल्स पड़ रहे हैं और ये जो पानी है ये हंसते हुए फ्लो कर रहा है. वेन द एयर डज लाफ विथ आवर मैरी वेट एंड द ग्रीन हिल्स लाफ विद द नॉइज ऑफ इट. सो एयर, जो हवा है, ये हमारी जो जॉयफुल बातें हैं ये सुनकर हंस रही है, और हवा की हंसी सुनकर ये जो हरे हरे पहाड़ हैं ये भी ज़ोर से हंस रहे हैं. नेक्स्ट पेज. व्हेन द मीडोज लाफ विथ लाइवली ग्रीन एंड द ग्रास ऑफर लाफ्स इन द मैरी सीन. मीडोज मीन्स जो हरे भरे मैदान हैं, जब इनमें घास, हरी हरी घास लहराती है तो मानो ये भी खुशी से हंस रहे हों. और इसी के बीच ये जो मैरी सीन क्रिएट हो रहा है, मतलब हर जगह जो वातावरण है, जो सराउंड, जो एटमॉस्फियर क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखकर ग्रास ऑफर है वो भी हंस रहा है. व्हेन द मैरी एंड सुजैन एंड एमली विद द स्वीट राउंड माउथ सिंग हा हा ही. सो स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर फ्री, है ना, उन्हें कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती है, फिक्र नहीं होती है, और वो हंसते गाते रहते हैं. तो यहाँ पर पोएट ने तीन बच्चों का एग्जांपल दिया है, जैसे मैरी, सुजैन एंड एमली. और पोएट कह रहे हैं कि जिस तरह से मैरी, सुजैन और एमली गाना गा के हा हा ही जो सॉन्ग है वो गा के खुश हो रही हैं, उस तरह आपको भी हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए. नेक्स्ट पेज. When the painted birds laugh in the shade, where our table with cherries and nuts is spread. और जो birds हैं जिन्हें भगवान ने colorful बनाया है, अलग अलग colors दिए हैं, और जब वो हंस रही है, वो कहाँ हंस रही है, जहाँ पर हमारी table रखी है और उस table पर cherries हैं और nuts हैं. It means the birds are enjoying the treat of cherries and nuts and then they are laughing. Come leave and be merry and join with me to sing the sweet chorus of ha ha he. So chorus means जब गाना गाया जाता है उसके पीछे फिर ग्रुप में फिर से उसी लाइन को दोहराया जाता है, that is chorus. So here the poet is inviting us, all of us, that we should stop our worrying for unnecessary things, and he is inviting us to join him and sing the song of ha ha he. सो पोएट बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये कुदरत है, नेचर है, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये सब अपनी पूरी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और फिर भी उसी तरीके दे लीव देयर लाइफ मेरिली एंड दे लाफ ऑल द टाइम. जब वो पूरी तरह से हंसते रहते हैं तो उसी तरीके से हमें भी अपने दुख दर्द भूल कर हंसते गाते रहना चाहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए. ओके, सो नाउ रीड दिस पोएम 2 टाइम्स एंड
learn the meanings that is given here. There are three meanings given, so you have to learn all these three meanings. Okay, that's all. Thank you and have a nice day.